तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। और इस वीडियो पिछली वीडियो को मैंने यहीं एंड किया और यहीं से स्टार्ट किया है। और यह है मंडोला बिहार, और मंडोला बिहार जो परियोजना उसके सामने देख सकते हो यहां पर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा दोस्तों। पहले यहाँ पर टोल प्लाजा बनाया जा रहा था लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया दोस्तों। आगे बनाया गया है वो पावी पुस्ते पर। तो यहाँ से हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर देखो ये ग्राउंड लेवल पर रहने वाला है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे दोस्तों। आगे चलेंगे वैसे ही आप लोगों को रैंप देखने के लिए मिलेगा। रैंप चढ़ जाता है फिर वहाँ से जो एलिवेटेड होता है फिर ये जाकर ईस्टर्न पेरिफेरल पर जाकर ख़त्म होता है दोस्तों। तो देख सकते हो यहाँ पर ये रैंप बनाने का काम चल रहा है गाइस। तस्वीरें देख सकते हो, ये रैंप यहाँ से चढ़ रहा है, नहीं चढ़ रहा है, चढ़ रहा है ना, ये चल रहा है। देख सकते हो अर्थवर्क का काम किया जा रहा है इस रैंप के ऊपर। मशीनें आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। और देख सकते हो ये साइड वॉल लगाते जा रहे हैं और मिट्टी को ऊपर डालते चले जा रहे हैं। और साइडों में देख सकते हो ये ड्रेनेज बना दिया है और इस पर DM की लेयर का लेयर भी डाल दी जा चुकी है। अब इस पर फाइनल लेयर का अभी काम किया जाएगा। उससे पहले देख सकते हो ये पिलर बना हुआ है, ये आधा बन के कम्प्लीट हो गया। अब ये ऊपर स्टैंड किया जाएगा। और इधर की साइड में ये देख सकते हो पियर कैप बनाए जा रहे हैं दोस्तों पियर के ऊपर। तो जहाँ जहाँ ज़्यादा स्पेस है वहाँ पर ये पिलर में ही पिलर से ही कनेक्ट करके ये पियर कैप बनाए जा रहे हैं दोस्तों। जहाँ पर स्पेस नहीं था वहाँ पर इसमें इसके जो पियर कैप के जो विंग्स हैं उनको ऐड किया जा रहा है दोस्तों, जो कि यार्ड में बनाए जा रहे हैं और फिर वहाँ पर इनको स्टैंड किया जा रहा है। वो सब आप सभी को आगे देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए दोस्तों केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लो, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। तो देख सकते हो अभी पियर कैप बनाने का काम चल रहा है दोस्तों। देखो जहाँ पर जगह नहीं है ज़्यादा वहाँ पर देखो इस टाइप से ये पियर कैप बनाए जा रहे हैं। थोड़ा सा पियर कैप बना दिया, अब इसमें विंग्स को ऐड किया जाएगा। ऐड किस तरीके से किया जाता है वो सब आप सभी को आगे देखने के लिए मिलेगा। जो विंग्स को ऐड कर रहे हैं इसमें इस पियर कैप में वो आप सभी को आगे दिखाएंगे चल के कि किस तरीके से ऐड किया जाता है। तो बने रहो आप लोग इस वीडियो में के एंड तक, बहुत कुछ आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। कहाँ कहाँ पियर कैप बन चुके हैं, कहाँ पर क्या क्या काम हो रहा, कहाँ कहाँ गाटर लॉन्चिंग हो रही है, वो सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। और मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, दिखाता रहता हूँ, बताता भी रहता हूँ कि कहाँ पर कितना कंस्ट्रक्शन हो चुका है, कंप्लीट क्या क्या किया जा रहा है, वो सब कुछ आप सभी को केपी संत के चैनल पर डे वीडियोस देखने के लिए मिलते रहते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं आप लोग ये सारे पियर कैप बनके कंप्लीट हो चुके हैं और इन पर गाटर लॉन्चिंग होता हुआ चला आ रहा है। एक पिलर से दूसरे पिलर को जो जोड़ने का काम है वो किया जा रहा है दोस्तों गडर के द्वारा। ये गडर्स के द्वारा किस तरीके से किया जाता है वो आप सभी को अगली वीडियो में आगे देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल बाकायदा आप सभी को। तो बने रहो, देखो ये क्रेन मशीन खड़ी हुई है जो गाटर को उठाती है, स्टैंड करती है, एक पिलर से दूसरे पिलर को जॉइंट किया जाता है। एक तो ये मशीन खड़ी हुई है, एक अभी आगे देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। तो देख सकते हो इस तरीके से ये जॉइंट किया जाता है पियर कैप को। सेटरिंग लगी हुई है ना, तो इसमें ऐड इसी तरीके से किया जाता है, इसमें हो चुका है। तो इधर इन्होंने गाटर लॉन्चिंग कर दिया दोस्तों। तो साइड में भी आपको बता दूं कि इस पर अभी इस टाइम पे दोस्तों क्या ड्रेनेज बनाया जा रहा है और इसके जो बीच का डिवाइडर है वो भी बनाया जा रहा है। वो सब आप सभी को आगे देखने के लिए मिलेगा। देख सकते हो आप लोग कि किस तरीके से यहाँ पर गाटर लॉन्चिंग करके इनको जोड़ दिया है। अब इनको जोड़ा जा रहा है अच्छी तरीके से, देखो वो जोड़ रही है ना टीम, सामने देख सकते हो। और ये लोहे के ये गाटर रख दिए इन्होंने बीच बीच में, ये देखो सरिये निकल रहे हैं, ये सब ये जोड़े जाएंगे अभी और जोड़ने का काम चल रहा है। जुड़ जाने के बाद में दोस्तों फिर इस पर फ्लोरिंग का काम किया जाएगा। तो देख सकते हो पांच गाटर तो ये रख दिए जा चुके हैं, अभी एक गाटर और बचा हुआ है वो भी रखा जाना है। तो किस तरीके से ये जोड़ते हैं देख सकते हो, यहाँ पर ये टीम लगी हुई है, देखो ये सीगल कंपनी के द्वारा ये टीम लगी हुई है, सीगल कंपनी की टीम लगी हुई है। किस तरीके से ये गाटर को जोड़ती है दोस्तों पिलर से, देख सकते हो पियर कैप में ये जोड़ने का काम चल रहा है ना, ताकि ये इधर उधर भागे ना,
खिसक ना सके, इसीलिए इन्हें जॉइंट किया जा रहा, मजबूत किया जा रहा दोस्तों। फिर मजबूत हो जाने के बाद में फिर इस पर फ्लोरिंग कर दिया जाएगा, फ्लोरिंग कर देने के बाद में फिनिशिंग किया जाएगा, फिनिशिंग कर देने के बाद में फिर दोस्तों इस पर ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा जो कि कंप्लीट हो जाएगा। और ये 13,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। ये 210 किलोमीटर का रूट है दोस्तों, हमारे दिल्ली के सरायकाले खान से, दिल्ली के अक्षरधाम टेंपल से ये स्टार्ट होता है, यानी कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से ये स्टार्ट होता है अक्षरधाम से, और ये जाएगा उत्तराखंड के देहरादून में दोस्तों, ये इसका एंड हो जाएगा। तो देख सकते हो कि इस तरीके से यहाँ पर ये गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में इन गाटरों को जोड़ा जा रहा है दोस्तों, और जोड़ जाने के बाद में फिर इस पर फ्लोरिंग किया जाएगा। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, मैं आप लोगों को ऐसे ही क्लियर दिखाता और बताता रहता हूं दोस्तों कहां कितना काम चल रहा है। और आपको बता दूं ये मंडोला बिहार से निकलने के बाद में है दोस्तों, अभी आगे जो आपको बता दूं खेकड़ा गांव भी आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा। देख सकते हो किस तरीके से जोड़ते हैं गाटर को दोनों साइडों में ही, देख सकते हो इस वाले पियर पर भी, दूसरे पियर पर भी। देखो ये बीच में ये देख सकते हो ये बॉल लगाया जा रहा है, जैसा कि ये लगाया गया है, इनको जॉइंट कर दिया, देखो ये जॉइंट कर दिया है ना। अब जॉइंट कर देने के बाद में दोस्तों अब इस पर फ्लोरिंग का काम किया जाना है, और फ्लोरिंग की सेटिंग वो आप सभी को आगे देखने के लिए मिलेगी। देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, और ऐसे ही वीडियोज़ देखो के पी संत के चैनल पर। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखो के पी संत के चैनल पर दोस्तों। पर डे के पी संत लाता रहता है, और जो आपको बता दूं कि जो शहर में जो बनाया जाता है उसे ब्राउन फील्ड बोलते हैं, और जो खेतों में बनाया जाता है उसे ग्रीन फील्ड बोलते हैं। तो देख सकते हो ये आपको बता दूं दोस्तों, ये फ्लोरिंग की सेटरिंग लगा दी जा चुकी है, देखो अब इस पर फ्लोरिंग किया जाएगा। ये देख सकते हो सारे में सेटरिंग लगा दी है इन्होंने, अब इस पर फ्लोरिंग का काम किया जाना है। देखो ये कंक्रीट की मदद से इसको फ्लोर किया जाएगा दोस्तों, जैसा कि हम अपने मकानों में छत डलवाते हैं उसी तरीके से इसका फ्लोरिंग का काम किया जाएगा दोस्तों। देख सकते हो दूर दूर तक आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। देखो इस पर फ्लोरिंग का काम हो चुका है कंप्लीट, ये देखो तस्वीरें देख सकते हो आप लोग। और इसमें जो सेफ्टी वायर्स भाई साहब बहुत मजबूत होते हैं, आपको क्या ही बताएं, और वो आप लोगों को मैंने दिखाया था कुछ वीडियोस में, और आप लोगों ने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके देख लेना दोस्तों। देख सकते हो ये बीच का डिवाइडर बनाया जा रहा है, तस्वीरें देख सकते हो, और साइड में ये ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया जा रहा है, और बीच के ये डिवाइडर बनाने का काम चल रहा है। ये डिवाइडर बन जाने के बाद में दोनों साइड का फिर इसमें मिट्टी डाली जाएगी, और मिट्टी डालने के बाद में दोस्तों इस पर प्लांटेशन कर दी जाएगी। देख सकते हो दोनों साइड में ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है, और बीच में ये डिवाइडर बनाया जा रहा है दोस्तों, ताकि इधर की पब्लिक उधर ना जा सके, उधर की पब्लिक इधर ना आ सके। तो देख सकते हो यही वर्क चल रहा है, फ्लोरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, ऊपर उधर चल रहा है, देखो इधर भी चल रहा है, बीच बीच में हो चुका है, और देखो गाटर लॉन्चिंग कहाँ तक कर दिया जा चुका है इन्होंने। देखो गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में फिर ये गाटर को जोड़ा जाता है, देख सकते हो ये जोड़ दिए जा चुके हैं दोस्तों, ताकि ये गिरने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। अब ये जुड़ चुके हैं, तो इसमें अभी एक पिलर और इसमें ऐड किया जाएगा, अभी एक पिलर और बनेगा दोस्तों। तो देख सकते हो तस्वीरें आप लोग, तो यही है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के नज़ारे आप लोग देख सकते हो, और यहाँ से ये खेकड़ा गाँव स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, और मंडोला बिहार ख़त्म हो चुका है। यहाँ से ये मंदिर आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से ये खेकड़ा गाँव स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हो। यहाँ पर भी ये सारे पियर बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, बस इन पर एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जाना है गाटर के द्वारा दोस्तों, और गाटर लॉन्चिंग की जाती है क्रेन मशीनों के द्वारा। देख सकते हो किस तरीके से ये गाटर लॉन्चिंग की जा रही है, और इनको पियर कैप का काम किया जा रहा, तो यही वर्क चल रहा है दोस्तों, क्योंकि 6 लाइन इस एलिवेटेड पर रहेंगी जो कि सीधे आपको देहरादून जाके उतारेंगे दोस्तों एक बार चढ़ जाने के बाद में, और अगर नीचे रहोगे वो लोकल ट्रैफिक के लिए 6 लाइन ये ग्राउंड लेवल पर रहेंगी, और 6 लाइन इसके एलिवेटेड रहेंगी दोस्तों। तो ये 12 लाइन का बनाया जा रहा है दोस्तों, और ये NHAI द्वारा इसको बनवाया जा रहा है दोस्तों, और देख सकते हो तस्वीरें, इसकी जो डेडलाइन है वो सन 2024 की है, 24 में ये आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, लेफ्ट साइड में तो ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है, और मेरे राइट हैंड पर ये बीच की क्या है डिवाइडर बनाया जा रहा है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, ये सेटिंग लगी हुई है, किसकी सरियाओं का जाल बना के सेटिंग बिछाते फिर इसमें कंक्रीट कर दिया जाता है दोस्तों। तो यही नज़ारे हैं,
और तो आप लोग बताना तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को एक लाइक तो यार कर दिया करो भाई, एक लाइक कर दिया करो, कमेंट करके हमें नीचे ज़रूर बता दिया करो। भाई साहब एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, क्या ही बताएं आपको, धूल मिट्टी जाम जुक्कड़ बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करने को मिलता है, तब जाके मैं आप लोगों के बीच में वीडियोस ला पाता हूँ दोस्तों। और आप लोगों पे एक लाइक और मुझे कमेंट करके नहीं बताया जाता है ताकि मेरा और हौसला बढ़े और अच्छी अच्छी अपडेट्स आप लोगों को देखने के लिए मिलें दोस्तों। आप लोगों के लिए देख सकते हो आप लोग, मेरी गुजारिश आप सभी से कि लाइक शेयर और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो नीचे दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बढ़े, मैं ऐसे ही आप लोगों के बीच में एक से एक अपडेट्स ला सकूं पर डे, ये मेरी कोशिश हमेशा ही रहती है दोस्तों। तो आप लोग थोड़ी सी आप मेहनत करो, थोड़ी सी मैं मेहनत करता हूँ, तभी तो ये पॉसिबल इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर पाऊँगा दोस्तों। जहाँ मैं नहीं जा पाता हूँ वहाँ पर भी जाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए, आप लोगों की बस दुआएँ बनी रहें, आपका आशीर्वाद बना रहे दोस्तों, बस मुझे और क्या चाहिए। तो इसीलिए आप लोग एक लाइक कर दिया करो बस। तस्वीरें देख सकते हो, अभी यही वर्क चल रहा है तेज़ी के साथ में, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है दोस्तों। और ये आपको बता दूं कि बागपत बड़ौत शामली सहारनपुर और एंड हो जाएगा इसका देहरादून में जाके दोस्तों। देख सकते हैं इसमें 12 किलोमीटर का तो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है दोस्तों, जो कि बिल्कुल जंगल के अंदर से जाएगा, जो जिसका नाम है राजा जी नेशनल पार्क के अंदर से ये हाईवे निकलेगा दोस्तों आम जनता के लिए बहुत तेज़ी के साथ में। और आपको बता दूँ कि जब ये हाईवे बनते हैं तो भाई साहब बहुत सारी सौगात लेकर आते हैं कि गाँव देहात वालों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं। तो देख सकते हैं ये पियर कैप बन चुका है, इसकी सेटिंग बिठाई जा रही है, अब इसमें विंग्स को ऐड किया जाएगा दोस्तों। देखो किस तरीके से ऐड कर रहे हैं, देखो ये लगी हुई है ना क्रेन मशीन, देखो ये दो रख दिया है ना बीच में, अब इसको जो सेफ्टी वायर होती है वो घुसेड़ी जाएगी साइडों से और फिर इसको मजबूत कर दिया जाएगा दोस्तों। देखो दो पार्ट है ना, इधर का भी उधर का भी, तो इसी तरीके से ये जॉइंट किया जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ स्पेस बहुत कम है तो इसी वजह से यहाँ पर ये यार्ड में बना के लाए ये विंग्स को और फिर यहाँ पर ये इन्हें चिपकाने का काम कर रहे हैं, यानी कि ऐड करने का काम किया जा रहा है दोस्तों। तो दो तरीके से ये पियर कैप बनाए जा रहे हैं दोस्तों, देखो आप लोग तस्वीरें, सेटिंग लगी हुई है, ये पियर कैप को चिपकाया जा रहा है दोस्तों, यार पियर कैप के जो विंग्स हैं उनको ऐड किया जा रहा है दोस्तों, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक करो, शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और हो सके तो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, जो कि नीचे रेड कलर का बटन है उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस पर डे देखते रहो। जैसे ही मैं कोई वीडियो डालता हूँ आप लोगों के बीच में तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचेगा, और पहुँच के क्या करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और क्या करना है, और मुझे नीचे कॉमेंट करके बता दो। एक बार चैनल सब्सक्राइब हो जाने के बाद में दोस्तों आप लोगों को हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जैसे ही आप नेट ऑन करोगे वैसे ही आप लोगों को मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा दोस्तों। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, मेरे वीडियोस को फॉलो करो, ज़्यादा से ज़्यादा देखो वीडियो को, और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। मैं लाता रहता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ दोस्तों। देख सकते हो कि किस तरीके से ये पियर कैप बनाए जा रहे हैं, पियर कैप को ऐड किया जा रहा है दोस्तों, ये पियर कैप के जो विंग्स हैं इनको ऐड कर दिया, इनको बिल्कुल कंप्लीट कर लिया जा चुका है, बस इसमें अब एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करने का जो काम है वो किया जा रहा है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, एक क्रेन मशीन ये इधर लगी हुई है, एक उधर लगी हुई है, और ये क्या ये गाटरों को उठा उठा कर दोस्तों और ये रखे जा रहे हैं, तो इनको मतलब एक पिलर से दूसरे पिलर को गार्टर के द्वारा इसको ऐड किया जाएगा, जॉइंट किया जाएगा दोस्तों, और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा बनके, जैसा कि आप लोगों ने पीछे देखा था। तो आप लोग बताओ ऐसे ही वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा या ख़राब लगा, आप नीचे हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ। और जो जगह है दोस्तों ये है खेकड़ा गाँव, ये खेकड़ा गाँव की तस्वीरें हैं दोस्तों, तस्वीरें देखो, यहाँ पर सारे में पियर कैप बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, और ये जो पियर कैप बनाए उनका फिनिशिंग का काम हो गया, अब इस पर बस गाटर लॉन्चिंग
स्टार्ट हो चुकी है, क्रेन मशीन आप लोगों ने देखा ही था। तो ऐसी वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी से।